डिंडौरी पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें पता चला कि नदी में पुल बनाने के लिए ठेकेदार विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर ब्लास्टिंग कर रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए ड्रिल करने वाले ट्रैक्टर और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया है। मामला भीषण टोला गांव का है, जहां नदी पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर पुल बनाने के लिए ठेकेदार विस्फोटक सामग्री का उपयोग करके ब्लास्टिंग कर रहा है। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए ड्रिल करने वाले ट्रैक्टर और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया। इस मामले में SP संजय कुमार का कहना है कि ठेकेदार ने ब्लास्टिंग करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली थी। इस मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना मिली थी दोपहर में कि कुछ लोग वहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। विधिवत परमिशन नहीं लिया गया उनके द्वारा, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।